शीट ऑब्जेक्टिव डिस्कस होनी थी, 8 नंबर थी, 8 8 देखो, 8 नंबर शीट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। ठीक है, कितने को ट्राई किए, ट्राई किए, ओके। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है और मास एम है। आप उस पार्टिकल को कहाँ लेके जा रहे हो, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर लेके जा रहे हो, उसका मास भी है तो ग्रेविटी की फोर्स उसके अगेंस्ट है और आप अगेंस्ट काम कर रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे। पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लेके जा रहे हो, ऊपर। पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दोगे तो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नीचे। पर आप उल्टा लेके जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि आप चार्ज को ऊपर लेके जाओ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अगेंस्ट ग्रेविटी भी काम करना पड़ेगा। तो आपको दो दो वर्क डन करने पड़ेंगे, पहला MgH अगेंस्ट ग्रेविटी मास को लेके जा रहे हो, और दूसरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, QE, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, H, तो QE इनटू H, तो नेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये आएगी, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ये आएगा। वो कह रहे हैं वेरिएशन प्लॉट करो एनर्जी का वर्सेज H, तो यहाँ से कॉमन आ गया एच, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो दो दो वर्क डन करने पड़ेंगे और दो दो वर्क डन के साथ एच का रिलेशन निकालना है। प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स है, बस ऊपर की जर्नी का ग्राफ है, ऐसे जर्नी का ग्राफ नहीं, मेरे हाथ में कब आएगा, बस ऊपर फेंक दिया उसका ग्राफ, प्लॉट करो यू का एच के साथ, ऐसे है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यूई इनटू डिस्प्लेसमेंट एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी नहीं है, नेक्स्ट का आंसर डी है, करेक्शन करो, सी नहीं है, डी है। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये गिवन है कि आपको दो चार्जेस दे रहा है, वो क्यू एंड क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ एल। आप एक चार्ज, आप कोई पॉइंट ढूंढो पूरे एक्सिस के ऊपर, मतलब आप यहाँ पे ये पॉइंट लो, फिर यहाँ लो, फिर यहाँ लो, फिर यहाँ लो, फिर यहाँ लो, और फिर यहाँ लो, तो आप इसका मतलब एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ठीक, आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे आप एक्स को एल बाई टू लेते हो तो मिड पॉइंट पर आ जाते हो, अगर आप कम लेते हो तो यहाँ पे आ जाते हो, ज़्यादा लेते हो तो यहाँ पे आ जाते हो, तो तीन सेगमेंट हो गए इस पूरे क्वेश्चन के, या तो मिड पॉइंट से पहले, या मिड पॉइंट पे, या मिड पॉइंट के बाद। तो इन रीजन्स में आपको ई की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने जो मिड पॉइंट के लेफ्ट की तरफ पॉइंट है, तो लेफ्ट की तरफ ये डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये कितना हुआ एल माइनस एक्स। ई निकालना है तो ये क्यू इस प्लस वन को रिपेल करेगा, ये क्यू इस प्लस वन को इधर रिपेल करेगा। अब मुझे समझ में आता है कि ये वाला क्यू, ये वाला जो क्यू है इसका अफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा होगा, मान लो 10, इसका अफेक्ट इसके ऊपर कम होगा, मान लो 6। कम क्यों होगा, क्योंकि वो दूर है, ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये पास है। तो नेट ई की वैल्यू कहां आएगी, टूवर्ड्स राइट, 10 माइनस 6 राइट। ये बात समझ में आ रही है, जो जितनी पास होगा अफेक्ट उसका ज्यादा होगा। लेकिन जब आप इसके मिड पॉइंट पे चले जाएंगे तो जितना इस चार्ज का अफेक्ट होगा उतना ही इस चार्ज का अफेक्ट होगा, तो नेट आंसर क्या जाएगा, जीरो। ये भी क्लियर है। लेकिन अगर आप पॉइंट इस रीजन में लेते हैं मिड पॉइंट के राइट पे, तो अब इस चार्ज का अफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा होगा और इस चार्ज का कम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि अगर मिड पॉइंट के इस तरफ हो तो ई राइट है, मिड पॉइंट पे जीरो है, और फिर इस रीजन में ई लेफ्ट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। वो कह रहे हैं ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट आपने करना है किसका, ई वर्सेस एक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है वर्सेस एक्स। तो मुझे समझ में आता है कि लेफ्ट रीजन में ई टूवर्ड्स राइट है, फिर जीरो है, फिर लेफ्ट है, अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज।
राइट लेफ्ट चेंज कर गया, तो आपका ग्राफ ये और ये नहीं बन सकते, क्योंकि ई इसमें पूरी जर्नी में पॉजिटिव है, ई इस पूरी जर्नी में पॉजिटिव है, जबकि इस जर्नी में आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है, आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है। क्लियर है? फिर दूसरा, एक्स की वैल्यू जब जीरो है, एक्स जीरो का मतलब है कि आपका पॉइंट यहां लाई करता है, ये यहां पे, तो जब यहां लाई करेगा तो ये चार्ज इसके ऊपर फील्ड लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि फील्ड किसकी वजह से निकालना है, क्यू और क्यू की वजह से। तो पॉइंट इन दोनों के बीच में तो लाई कर सकता है, लेकिन पॉइंट क्यू के ऊपर लाई नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये नॉट डिफाइंड की रीजन में जाएगा। नॉट डिफाइंड में मैं समझते हो ना, ई की वैल्यू यहां पर टच नहीं करेगी, ई की वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी, मीनिंग नॉट डिफाइंड। तो ये ग्राफ जो वेरिएशन बनेगा वो किसका बनेगा, डी का बनेगा, जबकि यहां पर ई की वैल्यू फिक्स है, नहीं आएगी फिक्स, क्योंकि अगर पॉइंट यहां पे लाई करेगा तो क्यू अपने ऊपर कभी फील्ड तो लगाता नहीं है, तो डिफाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए यहां पर फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, यहां पर ई की वैल्यू को थोड़ा दूर रखना है, ऐसे ऐसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है किसका आंसर आपको डी मार्क करना है, स्टैंडर्ड ग्राफ है। क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये समझ में आया वेरिएशन पॉजिटिव नेगेटिव कि आधा राइट था फिर लेफ्ट हो गया, तो ग्राफ या ये है या ये है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं अब डिसाइड करना है ये है या ये है। आप मुझे बताओ कि x इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, x इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर e की वैल्यू क्या होगी? होगी नहीं, इन दोनों चार्जेस की वजह से यहां e कैसे आएगा? एक चार्ज अपने ऊपर तो e निकालता ही नहीं कभी भी, तो अगर एक चार्ज सोचो अपने ऊपर e निकाले 1/4πε0Q/x² और x जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये ग्राफ जा रहा है ना इन्फिनिटी, ऊपर तक देखो, तो e की वैल्यू डिफाइन कर ही नहीं पाएगा, ये डिफाइन कर रहा है डिफाइन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए डी आंसर है, ठीक है यहां तक? तो इसलिए इसका डी आंसर मार्क करना है। इस क्वेश्चन को भी बाद में देखेंगे, प्लस वन रिलेटेड है थोड़ा सा, पहले ये करते हैं फोर्थ और फिफ्थ में, ठीक है? सिक्स्थ, सेवन, एट या नाइन, ठीक है, टेन इलेवन, ओके। अब रह गया हमारा थर्ड, ये वाला, ओके थर्ड। टाइम क्या हुआ? टाइम, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना कुछ स्प्रिंग्स रिवाइज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन स्प्रिंग पे है। मेरा मन तो कर रहा था मैं इसको ना डालूं फिलहाल के लिए, पर जब मैंने खोल के बुक देखी तो हर बुक में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो आएगा तो वापस कि कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं वो स्प्रिंग रिलेटेड था, तो मैं इसको स्प्रिंग के अंदर साथ करवाऊंगा, पर अब तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग के साथ ऐसे एक दो क्वेश्चन और मैंने देखे हैं बुक्स के अंदर आपको मेंशन मिलेंगे, नॉट फॉर एनसीईआरटी, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन। स्प्रिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ लो, जो स्प्रिंग है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ पे था, आपने मास लगा दिया और छोड़ दिया, अल्टीमेटली ये रेस्ट पे आ गया, यहाँ पर रेस्ट पे आराम कर रहा है, तो इसकी कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हो गया बाय एक्स नॉट, एक्स नॉट को क्या बोलते हैं? इसकी एक्सपेंशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम में हमेशा फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, एनर्जी नहीं लगेगी कभी भी। बहुत लोगों को स्प्रिंग के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि फोर्स लगाएं कि स्प्रिंग एनर्जी लगाएं, फोर्स लगाएं कि एनर्जी लगाएं, क्योंकि तो ये कॉन्सेप्ट लगते हैं फिजिक्स में। तो जब इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया तो एनर्जी नहीं लगेगी, इक्विलिब्रियम में फोर्स लगेगा। नेट फोर्स क्या होती है इक्विलिब्रियम में? जीरो, और नेट फोर्स में mg इज इक्वल टू kx नॉट। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन आ गई? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी हो तो नेट फोर्स को क्या कर देना है? जीरो। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रिंग की मैक्सिमम एक्सपेंशन की। जब स्प्रिंग खुलता है या आपने मास को लगाया था, नो डाउट कि यहां पे रेस्ट पे आ गया था, पर एकदम थोड़ा रेस्ट पे आया था, वो काफी नीचे भी गया था, फिर ऊपर नीचे करके रेस्ट पे आया था, ऐसे ही होता है। या ऐसा भी तो हो सकता है
ये रेस्ट पे था यहाँ पे, मैंने इसको सडनली वी वेलोसिटी दे दी तो ये नीचे काफ़ी खुल गया, काफ़ी खुलने की ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसकी ये यहाँ पे रेस्ट पे कभी रहेगा ही नहीं, ये तो इंस्टेंट किसी इंस्टेंट पे नीचे आया और फिर ये अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा। तो जब फॉर एन इंस्टेंट नीचे आया तो ये एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, एक्स मैक्स, मैक्सिमम एक्सपेंशन। और क्योंकि इसकी रेस्ट की पोजीशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम तो बना नहीं, नेट फोर्स तो जीरो हुई नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये लास्ट पोजीशन के बाद ही ऊपर जाएगा तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एनर्जी का लगेगा। जब इक्विलिब्रियम नहीं है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, तो फिर कॉन्सेप्ट एनर्जी का लगता है। कैसे? आप कोई भी दो पॉइंट ले लें, एक जहाँ से चला और जहाँ पर रुका, चाहे फॉर एन इंस्टेंट रुका, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट कर दें। जब ये यहाँ से चला था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये ग्राउंड है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एक्स मैक्स। और यहाँ पर स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के। यहाँ पे इस पॉइंट पर स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के। नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना खींचा हुआ था, एक्स नॉट, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये एनर्जी लगा दी हमने, दैट इज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे प्लस स्प्रिंग की एनर्जी यहाँ पे। और जब ये लास्ट पोजीशन पे आ गया तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, एकदम जीरो, लोएस्ट पॉइंट है। इसकी काइनेटिक भी इस इंस्टेंट पर क्या हो गई, जीरो, एकदम रेस्ट पे आया। और लेकिन स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो गई, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना खिंच गया, एक्स नॉट प्लस एक्स मैक्स, ये रही। तो एनर्जी कंजर्वेशन से एक्स मैक्स आता है। आपको अगर ये लग रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा स्प्रिंग, तो वो आएगा भी नहीं अभी। ये तो मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ यही बताया कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को सॉल्व करने के लिए फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है। और कभी स्प्रिंग चल रहा हो और चलते हुए स्प्रिंग की फोटो दिखा दूं कि फिर कहूंगा कि नहीं, इस फोटो पे यहीं पर है, उसके बाद तो चला जाएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगती है। इस चक्कर में नहीं पढ़ना ये कैसे लगा, क्योंकि ये लेक्चर किसका है, क्लास प्लस वन। तो किसी को सीखना है तो मुझे बताए, मैं आपको स्प्रिंग का लेक्चर दूंगा। स्प्रिंग लास्ट ईयर किया था, पूरा एक लेक्चर में स्प्रिंग करवाया था, अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम बताई थी, कब फोर्स लगेगी, कब एनर्जी लगेगी। तो ये एक घंटे का काम है जो अलग टॉपिक में करना पड़ेगा, इस चक्कर में नहीं पढ़ना। तो फिर ये क्यों करवाया, सिर्फ ये बताने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स का कॉन्सेप्ट है और इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अब करें अपना क्वेश्चन सॉल्व, भाई इतना ही बताना था मुझे, क्लियर है? तो मेरे को ये कुछ नहीं बताना आपको, मेरे को लास्ट चीज और बतानी है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से, फ्रॉम इट्स मेन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तीन चीजें समझ में आ गई, मेरा क्वेश्चन क्या है, बैक टू क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन में उसने कहा एक ब्लॉक है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, टूवर्ड्स राइट, तो एक कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर गया, क्यूई कर गया, क्यूई। तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक गया, कभी रुक गया। अगर मैं कहता हूं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक गया और मैंने वर्ड रुक गया बोल दिया फाइनली और इक्विलिब्रियम बोल दिया, तो किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, फोर्स का। तो राइट की फोर्स कितनी है, क्यूई, और लेफ्ट में तो क्यूई इज इक्वल टू के एक्स। तो ये कौन सी पोजीशन आएगी इसकी, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, फोर्स का। नेट फोर्स क्या की, जीरो। तो क्वेश्चन में आएगा फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक आंसर आ गया। कैसे निकलती है इक्विलिब्रियम, क्लियर है? अब दूसरा पार्ट सुनो। अब दूसरे पार्ट में हुआ ये तो तब का स्नैरियो जब ये एकदम झटका लगा इसे, ये काफी दूर गया, फिर काफी अंदर गया, दूर अंदर जाके ये फाइनली यहां पे रेस्ट पे आ गया। लेकिन एकदम जो झटका लगा तो एकदम यहां रेस्ट पे नहीं आएगा, एक बार तो काफी दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी, तो फोटो है इसकी, अगले इंस्टेंट पे आपको वापस जाता हुआ दिखेगा और कुछ देर के बाद यहां दिखेगा, राइट? तो जब मैं कहूंगा एक्स मैक्स निकालो, एक्स मैक्स का मतलब मैक्सिमम एक्सपेंशन निकालो, ये तो इंस्टेंट पे होगा ना, तो यहां पर कॉन्सेप्ट फोर्स का नहीं लगे, किसका लगेगा, एनर्जी का लगेगा, राइट? तो आपको क्वेश्चन में निकालना है एक्स मैक्स निकालो। अब ये बताओ कि इस ब्लॉक को राइट फोर्स कितनी लग रही थी, क्यूई, और ये कितना डिस्प्लेस हो गया,
एक्स मैक्स, तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, क्यू इंटू एक्स मैक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी या वर्क डन एक ही बात है, तो इतना वर्क डन किया जिससे कि स्प्रिंग खुल गया, और स्प्रिंग में क्या एनर्जी स्टोर हो गई, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो मैंने कॉन्सेप्ट किसका लगाया, एनर्जी का, तो इसका मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, इक्विलिब्रियम तो एक्स नॉट थी, तो इससे जो एक्स आएगा ये इसकी मैक्सिमम एक्सपेंशन आएगी। मैक्सिमम एक्सपेंशन का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ये फॉर एन इंस्टेंट कितना खुला था, हाँ वो अल्टीमेटली रुक एक्स नॉट पे गया था, पर एक बार तो एक्स मैक्स खुल गया। क्लियर है यहां तक? तो एक्स मैक्स जब निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना स्प्रिंग मैक्सिमम खुला, तो एनर्जी या वर्क डन लगाना है, और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ ली उसने तो फिर क्या लगाना है, फोर्स लगानी है। क्लियर है यहां तक? तो आपको आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैक्सिमम कितना खुला, इतना खुला। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या थी, ये थी। अब मैक्सिमम कितना खुला फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वो कितना खुला, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो अगला पार्ट है एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो कितना खुला एक्स मैक्स, मीन पोजीशन ये रही, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या कहेगा आप, क्या देगा आपको, एम्पलीट्यूड। तो कभी एम्पलीट्यूड निकालना हो तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लो, फिर एक्स मैक्स निकाल लो, फिर एक्स मैक्स में से एक्स नॉट को माइनस करो, वो एम्पलीट्यूड होगा। तो पॉइंट समझ में आया? अगर दिमाग पे बहुत जोर पड़ रहा है स्प्रिंग को लेके, तो आप ये ना सोचें कि आपको प्लस टू नहीं आती, आपको स्प्रिंग नहीं आता, ठीक। ये ना सोचें कि मैंने प्लस टू का क्या यूज किया, मैंने क्यूई, एफ इज इक्वल टू क्यूई, बस कुछ नहीं यूज किया, क्या यूज किया, स्प्रिंग। तो फिर मुझे व्हाट्सएप करें और पूछें कि सर मुझे स्प्रिंग का लेक्चर दे दो, तो मैं आपको स्प्रिंग का लेक्चर दे दूंगा, जैसे मैक्सिमम मिनिमा का दिया था, फिर घंटा स्प्रिंग लगा लें, फिर ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये हो गया। अभी आपके ऊपर है, आप अभी करना चाहते हो स्प्रिंग, ओके, आप अभी नहीं करना चाहते, छः महीने बाद करना चाहते हो तो भी ओके, कोई ज़रूरी नहीं है स्प्रिंग अभी करना, क्योंकि स्प्रिंग का क्वेश्चन इसके बाद कभी नहीं आएगा, ये लास्ट है और ये फर्स्ट है। अब फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर, पूरे के अंदर बहुत कम स्प्रिंग आएगा, आएगा नहीं, एक आधा आ गया तो आ गया, नहीं तो आएगा नहीं, तो इतनी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइडिया क्लियर है, ठीक है। बीच बीच में प्लस वन आती है ना, थोड़ा बैच का ना थोड़ा सा मोमेंटम सा डाउन सा हो जाता है, मूड सा ऑफ हो जाता है, रिस्पॉन्सेज लो हो जाते हैं, मतलब वैसे तो जोश रहता है थोड़ा थोड़ा कि ये प्लस वन, क्यू प्लस वन को क्या करेगा, सब बोलते हैं रिपेल, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, फिर बड़े में छोटा माइनस, ओके स्प्रिंग आ गया, ठंड से लग जाती है यार, क्या बोल रहे हैं यार, ये शक्लें बताती हैं। तो मैं एज अ स्टूडेंट आपकी जगह आऊँगा तो मेरे साथ भी यही होगा, हम भी कभी प्लस टू प्लस वन निकले हैं, जब टीचर पढ़ाता था यार क्या मुसीबत है, फिर स्प्रिंग आ गया, मसे तो छोड़ के आया हूँ मैं, अब इतनी मुश्किल से तो प्लस टू ठीक हुई थी मेरी, और अब फिर से यार, अब फिर डर लगता है ये रोज चलेगा, नहीं ये रोज नहीं चलेगा, बस ये कभी कभी ऐसे ही, जैसे SHM का कभी कभी एक आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो आप अगर नहीं भी करेंगे या आपसे नहीं भी हो रहे तो उसकी चिंता भी ना करें, क्योंकि जब प्लस वन रिविजन होगी, प्लस वन के टॉपिक्स किए जाएंगे और फिर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, क्योंकि प्लस वन जब तैयार होगी, प्लस टू भी तैयार होगी, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन किए जाएंगे तो और बेटर फील हो जाएंगे, ठीक है। तो परफेक्शन एक बारी में नहीं आती, तो अभी राउंड लगेंगे, पहले हम प्लस टू करेंगे नवंबर तक, दिसंबर तक, फिर प्लस वन करेंगे, फिर वापस प्लस टू करेंगे, तो दो तीन बार करके ना चीज़ें और आसान होती जाएंगी। तो अभी आप जो मैक्सिमम समझ सकते हैं उतना समझें, और प्लस वन के टॉपिक तंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक आध छोड़ भी देंगे तो बड़ी बात है नहीं, ऐसी कर भी लेंगे तो फायदा ही होगा, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहे फिर तो आप कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ दें या फिर स्प्रिंग का लेक्चर कर लें, बीच वाला काम ना करें, रोए ना, मतलब रोए ना, अपने दोस्तों को कहें क्या यार समझ में नहीं आ रहा यार, क्या समझ में नहीं आ रहा यार, मतलब स्प्रिंग मैं करूँगा नहीं, क्लास में मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो फिर समझ कैसे आएगा, रोगे तो आएगा नहीं, या तो स्प्रिंग कर लो या फिर क्वेश्चन छोड़ दो, बीच में एक बीच में ना रोना नहीं है, बीच में क्वेश्चन को देखना भी है और रोना भी है, ये काम नहीं करना, ठीक बोल रहा हूँ ना, बस तरीका बता दिया। बहुत लोग हैं रो रो के बुरा हाल कर लेंगे अपने, अब वैसे मन को भी समझाते रहेंगे रो रो के, क्या यार बुरा सा लग रहा है, भाई तुम स्प्रिंग कर लो ना, मेरे से पूछो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्लस टू नहीं है, प्रॉब्लम प्लस वन है, तो प्लस वन का एक घंटा सुनोगे ये सब समझ में आ जाएगा।